हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी। थैंक यू दोस्तों फॉर शोइंग योर लव एंड ब्लेसिंग टू माय मी एंड माय चैनल। दोस्तों आज मैं पैक का स्पॉटलाइट लिक्विड फाउंडेशन के बारे में रिव्यू करूंगी, तो ज़्यादा बात नहीं करके मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ वीडियो पे। तो ये ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड पैकेजिंग में जाता है, जहाँ पर खूबसूरत सा यहाँ पर बनाया गया है जो इसका प्रोडक्ट है, उसका तस्वीर और पीछे लिखा गया है सारा इन्ग्रीडियंट्स। और ये है मेन प्रोडक्ट जो कि कांच का फ्रॉस्टेड बॉटल में आता है, और इसके साथ ही साथ आपको मिल जाता है एक लिड। ये लिड काफ़ी स्टेडी है और इसके पीछे भी सारा इंग्रेडिएंट्स वगैरह आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये क्वांटिटी आता है 40 ml के साथ और इसका प्राइस है 1050 rupees। ये आपको मिल जाएगा Amazon, नायका पैक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर में। आप अगर पैक का ऑनलाइन स्टोर से इसे खरीदोगे तो आपको मिल जाएगा 1050 rupees का प्रोडक्ट 850 to 900 rupees में, वो भी वैरी करता है टाइम टू टाइम। और ऑफलाइन में कोलकाता का एल्गिन रोड में इसका ब्रांच है, अगर आप खरीदना चाहो तो 5 to 10% कार्ड के डिफर में आपको मिल जाएगा। तो आज के साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी पैक का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, हाउ टू अप्लाई एंड मेरे स्किन में ये क्या करता है। तो पहले चलिए आइए इसका कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। काफ़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी है। मैंने एक पंप और थोड़ा लिया मैंने, तो काफ़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी है इसका। और साथ ही साथ मैं बताती जाऊंगी, मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया, मतलब मैंने अपने फेस को क्लीन टोन एंड मॉइस्चराइज़र एंड प्राइम कर लिया। मेरा फेस पूरा रेडी है फाउंडेशन के लिए। एंड हमेशा फाउंडेशन अप्लाई आप जब भी करोगे तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई अंडर योर आई एंड अपर एरिया ऑफ योर आई, बिकॉज जैसे कि फाउंडेशन आपकी स्किन टोन का होता है तो काफ़ी कैंसल आउट कर देता है। मेरे स्किन में ज़्यादातर डार्क सर्कल है, इतना इम्प्योरिटीज़ नहीं है और इतना दाग धब्बा भी नहीं है, तो ये फाउंडेशन ही काफ़ी है मेरे लिए। और डेली वेयर में या कोई छोटा मोटा अगर पार्टी हो, ऑकेशन हो, तो नहीं ज़रूरत पड़ता है कंसीलर या सेकंड लेयरिंग का। ये फर्स्ट लेयरिंग तो बहुत अच्छी तरह से देखिए कैसे बैठ जाता है, लेकिन आप जब भी इसे सेकंड लेयरिंग में अप्लाई करोगे यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल अबाउट ब्लेंडिंग। ये जी हाँ दोस्तों, ये ऑक्सीडाइज करता है, ये डेली वेयर फाउंडेशन है, लेकिन हाँ इसे 7 से 8 घंटा ये स्किन पे आपका आराम से बैठ जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आराम से ये 7 से 8 घंटा आपके स्किन पे स्टे कर जाएगा। और ये आप सुबह को अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग भी कॉर्पोरेट एरिया में हो या डेली जिन लोगों को मेकअप करना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा सा ऑप्शन है डेली वेयर के लिए। बट यू हैव टू वेरी केयरफुल, सारा दिन का मेकअप आप रात को आके बहुत अच्छी तरह से निकाल लो। मैं जैसे अप्लाई करती हूँ और उसके साथ मैं जैसे इसे सेट करती हूँ तो मेरे स्किन पे ये आराम से 7 से 8 घंटा रह जाता है। मैं और एक बार ब्लेंडर को चलाऊंगी ताकि ये प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए स्किन पे। अगर ये ब्राइडल में आप यूज़ करना चाहोगे तो आप ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थिक कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा, लाइक क्राइलॉन, मेकअप फॉर एवर, मैक, इस तरह का कोई गाढ़ा कंसीलर के साथ आप ये ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हो। तो आइए इसको मैं जैसे सेट करती हूँ मैं वैसे ही आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये फाउंडेशन कैसे सेट हो गया है मेरे स्किन पे, बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो मैं एकदम हल्का सा
ये क्राइलॉन का सेटिंग पाउडर है, तो मैं एकदम हल्का सा लूँगी और इसे सेट कर लूँगी। इसी से सेट कर लूँगी मैं अपना पूरा फेस को। मैं हमेशा ऑफलाइन ही ख़रीदना पसंद करती हूँ क्योंकि ऑनलाइन मुझे शेड समझ में ही नहीं आता है, और ऑनलाइन अगर आपको शेड समझ में नहीं आता है तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। एक शेड इधर से उधर होने से आपका पूरा मतलब जब आप जितना भी अच्छा मेकअप कर लो वो मेकअप आपका बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई शेड। देखिए मैं इसे सेट कर ली हूँ सेटिंग पाउडर से, और इसके बाद मैं जो करती हूँ मेरा मैक का पेप एंड प्राइम। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ माई लाइफ सेवियर मैक का पेप एंड प्राइम से ये बिल्कुल सेकंड लेयर लगेगा ही नहीं कि आपने फाउंडेशन लगाया है। कुछ ही मिनटों के बाद ये आपके स्किन पे बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, तो आप लगेगा ही नहीं कि आपने कोई अलग से फाउंडेशन या ऐसा कुछ लगाया है। एंड इसी तरह से मैं जेनरसली अप्लाई कर लेती हूँ। ये दूसरा वाला ब्लेंडर है, मैं अप्लाई कर लेती हूँ मेरे ब्यूटी ब्लेंडर पे, और मैं अपने फाउंडेशन और सेटिंग पाउडर को अपने फेस के साथ डैब डैब मोशन पर सेट कर लेती हूँ। इससे क्या रहता है, लॉक हो जाता है पूरा। अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होगा तो आसानी से ये फाउंडेशन गल नहीं जाएगा या निकल नहीं जाएगा। तो ये 1050 रुपीज़ में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अगर ट्राई करना चाहोगे तो ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करके मुझे बताओ पैक का ये फाउंडेशन आपको कैसा लगा। वैसे तो मैंने अभी काजल लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगाया, तो थोड़ा पेल लग सकता है मेरा फेस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, आप ये ट्राई करो, ये एक बहुत अच्छा सा फाउंडेशन है। इसके बाद ही बाद मैं ट्राई करूंगी पैक का HD फाउंडेशन और उसके साथ ही साथ कंसीलर। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमेशा मेरे साथ रहिए एंड कीप स्माइलिंग एंड बी विथ मी। थैंक यू।